नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारवाली दुबे जी के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप तीन कंपनियों की जिनकी टॉप सेलिंग मॉडल्स है 2023 में। तो देखते हैं कि ये गाड़ियां क्या इसमें इतना स्पेशल है कि ये गाड़ियां इतने ज्यादा नंबर्स में बिक रही है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। तो चलिए लिस्ट में सबसे पहली जो गाड़ी आती है वो है मारुति की स्विफ्ट। ये स्विफ्ट काफी अच्छे नंबर में बिकती है और 2023 में अगर देखा जाए तो 2,03,000 यूनिट्स अकेले इस गाड़ी ने बेचे हैं। तो देखा जाए तो किसी भी बहुत सारे ब्रांड्स है जिनकी पूरी की पूरी ब्रांड वैल्यू और पूरा का पूरा ब्रांड जितनी गाड़ियां बेचता है उतना अकेला इस एक मॉडल ने बेचा हुआ है। इस गाड़ी को पावर दिया गया है 1200 सीसी के 4 सिलेंडर इंजन में जो एक अच्छा खासा 89 बीएचपी का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज तकरीबन इसकी 22 के आसपास कंपनी क्लेम करती है, बट एक्चुअल वर्ल्ड में भी देखा जाए तो 18 से 20 लोगों को मिल रहा है BS6 वेरिएंट में। हालांकि जो पहले गाड़ी आती थी उसमें पेट्रोल का कुछ माइलेज था 14-15 के आसपास हाईवे पे, और CNG में गाड़ी 22 से 25 का एवरेज देती थी। पेट्रोल में इतना नहीं था बट BS6 आने के बाद गाड़ी काफी रिफाइंड हो चुकी है और काफी अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती है। बात करेंगे तो सेफ्टी में आपके एयरबैग्स, EBD और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम सब कुछ आ जाता है। गाड़ी काफी वेल बिल्ट है और सेफ्टी फीचर्स भी कैरी करती है, बट देखा जाए तो कोई ऑफिशियल स्टार रेटिंग नहीं है। हालांकि 2 स्टार मिला है इसको वर्ल्ड सेफ्टी एंड गैप में, बट फिर भी गाड़ी काफी रगड़ फील होती है, चलाने में अच्छी है, मेंटेनेंस के मामले में गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए इतने अच्छे नंबर्स में इंडिया में ये सेल कर पा रही है। प्राइस की बात करेंगे तो गाड़ी 10 लाख के अंदर के प्राइस में आ जाती है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छा मार्केट बन जाता है इस गाड़ी के लिए। और इतने सारे फीचर्स के साथ और इतना बढ़िया सर्विस नेटवर्क के साथ ये प्राइस में गाड़ी बहुत ही ज्यादा वर्थ हो जाती है। तो चलिए टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं। टाटा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जिसने काफी सारे फेसलिफ्ट्स देखे हैं। टाटा ने उसमें बहुत सारे एडिशन, डार्क एडिशन और पता नहीं क्या क्या लॉन्च किया है इसके अंदर। इसका जो नया मॉडल आया है उसका अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो काफी पेपी और काफी अच्छा लगता है, जो उसका टाटा का लोगो है वो अंदर से ग्लो होता है, बहुत अच्छी चीज है। इंजन की बात करेंगे तो इंजन में इसका पेट्रोल डीजल दोनों आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी, सारे LEDs के साथ, सब लोडेड, सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ, 5 स्टार रेटिंग के साथ गाड़ी वेल बिल्ट है, काफी लोडेड है, पावर है, पिकअप है गाड़ी में, 100 से ज्यादा हॉर्स पावर है टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन पेट्रोल वाले में, और डीजल वाली 4 सिलेंडर जो है उसमें भी 100 हॉर्स पावर से ज्यादा, तकरीबन 115 कुछ हॉर्स पावर आती है उस गाड़ी में। एंड सारी गाड़ियां वेल लोडेड है, सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आती है गाड़ी, पिकअप में कोई कमी नहीं आती, सेफ्टी फीचर्स में भी कोई कमी नहीं आती, गाड़ी काफी कंफर्टेबल होती है और सारे बेल्स एंड विसल्स जो होते हैं आपकी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ, क्लाइमेट कंट्रोल और फुल स्क्रीन टच सिस्टम आता है जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों आता है। MID डिस्प्ले अच्छा है इसका। गाड़ी का जो लुक एंड फील है, जो बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा फील करती है गाड़ी। गाड़ी का जो आप लुक देखेंगे बहुत ही शानदार दिखता है। गाड़ी का माइलेज अच्छा है, डीजल में गाड़ी 20 के आसपास एवरेज दे देती है, पेट्रोल में तकरीबन 13-14 मैक्स टू मैक्स हाईवे पे दे देती है। गाड़ी का जो टॉल स्टैंड है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफी अच्छा दिया हुआ है, तो गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए भी काफी अच्छी है, हाईवे पे अच्छी क्रूज कर जाती है, और अगर इसको आप ऑफ रोडिंग भी थोड़ा सा लेके जाते हैं तो काफी केपेबल है ऑफ रोडिंग भी। हार्डकोर आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते बट सॉफ्ट ऑफ रोडिंग के लिए काफी गाड़ी अच्छी है। पिछले साल गाड़ी ने अकेले 1,70,000 यूनिट्स बेचे हैं, जो गाड़ी की पॉपुलरिटी को दर्शाती है कि इंडिया में गाड़ी ये कितनी ही ज्यादा पॉपुलर है। और लिस्ट में अगर जो तीसरी गाड़ी आती वो है हुंडई की हमारी क्रेटा। क्रेटा ने पिछले साल तकरीबन 1,57,000 यूनिट सेल की है, जो कि काफी अच्छे नंबर्स है इस मॉडल के लिए, और गाड़ी काफी पॉपुलर है। जब से लॉन्च हुई गाड़ी ने तहलका मचा के रखा है और एक मिड साइज SUV या क्रॉसओवर के सेगमेंट में सबसे नंबर 1 रही है ये स्टार्टिंग से ही। गाड़ी में इतने सारे इंजन ऑप्शंस आते थे जब गाड़ी लॉन्च हुई, अभी हालांकि सिर्फ पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल है गाड़ी, पेट्रोल में 1.4 और डीजल में 1.5, अच्छा खासा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, 110-115 हॉर्स पावर की गाड़ी में इंजन है। और इसमें अगर बात करें माइलेज की तो गाड़ी डिसेंट माइलेज दे देती है, बट जो मेन है गाड़ी का वो ये कि गाड़ी ड्राइवर्स कार मानी जाती है, काफी कंफर्टेबल है, काफी प्लश इंटीरियर्स है, और जो मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने देखा कि टाटा में इतने सारे फीचर्स आते हैं, सेम आपको क्रेटा में सनरूफ आ जाती है, काफी सारे फीचर्स आ जाती है, और गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ऑन रोड। ये गाड़ी का जो कल्ट है काफी ज्यादा इसके फॉलोअर्स है गाड़ी के। गाड़ी में आप देखेंगे तो साउंड सिस्टम इसका काफी अच्छा है और काफी सारे फीचर्स दे देती है गाड़ी, चलाने में काफी अच्छी है, कहीं ना कहीं माइल्ड ऑफ रोडिंग भी गाड़ी में आप कर सकते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा जो प्राइस सेगमेंट है गाड़ी का थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन टॉप मॉडल आपको 24-25 लाख तक चली जाती है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, बट जो जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो कल्ट फॉलोइंग है गाड़ी का, उस कल्ट फॉलोइंग की वजह से इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है।
अगर इसको नेक्सॉन से कंपेयर किया जाए तो नेक्सॉन में जो पेट्रोल आती है उसमें 3 सिलेंडर आता है और इसमें 4 सिलेंडर आता है, इसकी वजह से गाड़ी का जो रिफाइनमेंट लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से गाड़ी आपको चलाने में और गाड़ी लॉन्ग आवर्स में चलाने में और कंफर्ट बैठने में बहुत अच्छा है, आइसोलेशन लेवल अच्छा है गाड़ी का, क्वालिटी लेवल, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। हालांकि नेक्सॉन से डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर सकती, थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में आती है, थोड़ा सा प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। एंड हुंडई ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत सारे इसमें फेसलिफ्ट लेके आती है, बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स लेके आती है ताकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे और इसके जो फॉलोअर्स है, इसके जो फैन फॉलोइंग है गाड़ी का, ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए रीसेल वैल्यू भी गाड़ी की यूज्ड कार मार्केट में बहुत ही ज्यादा शानदार।